हेलो एवरीवन, आप सबको मेरे चैनल पे स्वागत है। आप सब कैसे हैं गाइस? ये लव्स, ये बोलना मैं भूल ही गई थी कि अभी मैं क्या आप लोगों को बताऊं, क्या मेरे लाइफ में चल रहा है। बस इतना जान लीजिए कि अभी मैं सोशल मीडिया से बहुत दूर हूँ और मेरा फेस देख लीजिए कैसा है। बहुत दिन बाद आप लोग से मुलाकात हो रही है। बहुत टेंशन में, बहुत ज़्यादा ही टेंशन में ये लड़की बैठी हुई है और हद से ज़्यादा ये सोच रही है यहाँ पे कि बेटा गुड़िया कैसे भी चला अपना जिंदगी चला, जिंदगी चला। एंड यहाँ पे मैं निकल रही हूँ, कहाँ जा रहे हो कदे? और ये मेरा भाई जा रहा है कुत्ता को खाना देने। सो गई, ये आप देख रहे हैं, ये क्लिप है कॉलेज की वापसी का। कॉलेज में फॉर्म का पैसा फॉर्म भराने लगा है सीएस का, तो मेरे कॉलेज में मैंने कम मतलब पैसा दे के 20,000 दे के मैंने एडमिशन कराया था और मेरा कॉलेज 40,000 था। तो मुझे नहीं पता था कि बैक वो मांगेगा। लास्ट टाइम वो पैसा मांगने लगा कि हाँ इतना है तो आपका फॉर्म भराएगा, तो वही बहुत था। एंड फॉर्म, कॉलेज, डाइट, बिकनेस, आज मेरा 13 डे है वेट लॉस डे का। एंड मुझे आज बहुत बिकनेस लगा, बहुत ज़्यादा ही। कल से मुझे बहुत बिकनेस लगा था बट आज बहुत ज़्यादा और वीकनेस लगा। एंड बिकनेस की वजह क्या है, ये मुझे लगता है कि मेरा ना सोना। आई थिंक आप लोगों को मैं क्या बताऊं कि मैं नहीं सोई हूँ। मैं रात को लेट सोई, जल्दी सो गई थी और लेट रात को उठी थी, मतलब 3:30 बजे के बाद मुझे नींद नहीं आई। उसके बाद मैं जगी रही, पूरा जगी रही। एंड तो मैंने सुबह उठी के कमीटिंग में पोस्ट डाल दिया था कि हाँ भाई लोग, मैं लोग आज शॉर्ट जाएंगे, ब्लॉग जाएंगे। बट मैंने ना शॉर्ट सूट किया ना ब्लॉग शूट किया, बिकॉज मुझे जिम में कुछ प्रॉब्लम सा हो गया था, तो आई एम वेरी अपसेट। तो मैं अपना ट्रेनर चेंज करना चाहती हूँ जिम का, बिकॉज वो मुझ पर अच्छे से ध्यान नहीं देता है। ऑलवेज ही इज़ गॉसिपिंग, वो किसी और से गॉसिपिंग कर ले जाता है। मैंने देखती हूँ कि अपना दूसरा क्लाइंट को बहुत अच्छे से मतलब सिखा रहा है, मेरे को नहीं फोकस कर रहा है। एंड आज मैं आ गई तो मेरे को बोलता है कि मैं कल नहीं आपको कराऊंगा। मैंने बोला ठीक है आप मत कराना मेरे को, मैं भी नहीं करूंगी। मेरा आज था फंक्शनल एंड एप्स, फंक्शनल एप्स के मतलब था, तो मेरा कुछ ऐसा प्रॉब्लम था कि मैं फिजिकली उसे कर नहीं पा रही थी, बिकॉज सम मेरा बॉडी उसको नहीं करने को, मतलब मेरा बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि हाँ ये तुम करो। मैंने कहा सर मैट पे कर लूँ, नहीं ये वगैरह, वो अलग ही इंसान देखे कि गॉसिपिंग कर रहा है, लाफिंग कर रहा है। मैंने कहा गुड़िया उठो एंड घर चलो। मैंने 10-11 के बाद घर आ गया, यानी पीछे से उसने टोका तो मैंने पीछे से पलट के नहीं देखा। मैंने बोला कि नहीं मैं जा रही हूँ, मैं रुकूंगी नहीं। तो बोला कि नहीं मैं कल सिखाऊंगा, तो मैंने कहा ठीक है मत सिखाइएगा। सो गाइस यही चल रहा है, डाइट का अपडेट यही है। एंड कॉलेज में एग्जामिनेशन है 27 मई से स्टार्ट है एंड 10 जून से। देखिए अब इंशाल्लाह किसमें होगा, आई डोंट नो। मैंने पढ़ाई में सोच रही थी करने का, वो भी मेरे से नहीं हो रहा है। एंड वेरी वीकनेस, मुझे बहुत ज़्यादा ही वीकनेस, और मेरे फेस का कलर बहुत ज़्यादा ही, मतलब मैं इतनी सांवली हो गई हूँ डाइट कर कर के कि ये मैं नहीं लग रही, कोई और लग रहा है। जैसे लग रहा है मैं बहुत कमज़ोर हो गई हूँ, जबकि मैं खाती हूँ, सब चीज़ खाती हूँ, फिर भी मुझे कमज़ोरी लग रही है, बहुत कमज़ोरी लग रही है। मतलब सब चीज़ ठीक चल रहा है, बस रात का खाना कट एंड डाउन हो गया है मेरा। एंड मेरा वेट का अपडेट मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैंने 3-4 दिन 5 दिन पहले ही मैंने अपना वेट लिया, तो माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरे वेट 81। राहुल गेट खोल दो, बेड डूब गया है। तो मेरा वेट हो गया 81 kg। जी हाँ,
इवेल आईज ऑफ एंड वेट का यही है कि मतलब कुछ दिन की हूँ तो इतना हुआ है, बट पता नहीं कमेगा कि नहीं कमेगा। अब लोग नज़र लगा देते हैं तो नहीं हो पाता, इसलिए मैं थोड़ा बच के रहती हूँ। एंड गाइस, आप लोगों को मेरे चैनल पे लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, बहुत सारी बातें करनी है आप लोगों से। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं और अच्छे ब्लॉग के साथ मिलते हैं। ये तो बहुत घटिया सा, मतलब ये कुछ दिल की बातें हैं, मैं किससे कहूँ, ये क्या मैं बताऊँ, ये दिल से रोना वाला है या क्या मैं बता सकती हूँ, कुछ नहीं बता सकती हूँ। जो मेरे साथ जुड़ा है, जिसका वजन नहीं घट रहा, वो फैट है, उसको मेरा बात समझ में आएगा कि अभी मैं किस कंडीशन में वॉइस ओवर कर रही हूँ। सो बाय, नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होती है, एंड हैप्पी वीकेंड टू ऑल।